हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स यूट्यूब चैनल। यू आर विद टेक टॉक विद ललितेश। सो आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। सो जैसा कि लास्ट वीडियोज में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से स्टूडियो 5000 में हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, अलग अलग इंस्ट्रक्शन के बारे में मैंने बताया है, तो उसी सीरीज में आगे जो आज मैं बताने वाला हूँ आपको, वो ये बताने वाला हूँ कि हम स्टूडियो 5000 में वन शॉट राइजिंग वन शॉट फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन कैसे यूज करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सिंपल आपको एक इंस्ट्रक्शन यूज करना पड़ेगा। और उससे पहले अगर आपने अभी तक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया है तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। आप डायरेक्टली हार्डवेयर पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंड आप चाहते हैं इसको इम्प्लीमेंट करना सॉफ्टवेयर पर या इम्युलेट करना सिमुलेट करना तो आप वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि यहाँ पर देखिए बिट इंस्ट्रक्शन प्लेट में, बिट में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है वन शॉट इंस्ट्रक्शन एंड ओएसआर इंस्ट्रक्शन वन शॉट राइजिंग। ये दोनों एक ही इंस्ट्रक्शन है, आप अपने तरीके से आप यूज कर सकते हैं जैसे कि रिक्वायरमेंट रहती है। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनका पर्पज़ क्या होता है। वन शॉट का पर्पज़ ये होता है कि कोई भी जब पल्स राइज करती है, पल्स का मतलब ये होता है कि जब कोई पल्स राइज करती है, जैसे कोई सिग्नल आता है देन चला जाता है, या जैसे कि आपने देखा होगा एनो पुश बटन होता है, तो एनो पुश बटन को जब आप क्या करते हैं प्रेस करते हैं देन रिलीज करते हैं तो एक पल्स बनती है। तो हम चाहते हैं कि जब एनो पुश बटन को प्रेस किया जाए उस समय एक पल्स आप डिटेक्ट करना चाहते हैं, उस मोमेंट को आप डिटेक्ट करना चाहते हैं, उस शॉट को आप चेक करना चाहते हैं, डिटेक्ट करना चाहते हैं और इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए हम वन शॉट इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं या वन शॉट राइजिंग इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। तो मैं दोनों इंस्ट्रक्शन के बारे में बताऊंगा। तो अगर मैं यहाँ पे ONS इंस्ट्रक्शन ले रहा हूँ तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक इनपुट का एड्रेस लेना पड़ेगा। तो आप कंट्रोलर टैग में पहले एक इनपुट एड्रेस डिफाइन कर लीजिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ से अभी एक इनपुट एड्रेस ले लिया, आप इसको कैपिटल में, क्योंकि टैग जनरली हम कैपिटल में ही यूज करते हैं जिससे कि कोई भी डाउट ना रह जाए, इसीलिए मैंने इनपुट 0 ले लिया। और ये जो मैं ले रहा हूँ ये अभी LIS रहेगा, और यहाँ से लोकल 3i पे, जैसा कि मैंने पहले बताया था मैंने यहाँ पर सॉफ्टवेयर में इम्युलेटर यूज कर रखा है, तो मैंने यहाँ से 0 नंबर इनपुट ले लिया। इसी तरीके से अब यहाँ पर ONS पे जाएंगे और डायरेक्ट आप इनपुट का एड्रेस आप दे दीजिए। देन जब भी ये इनपुट जब भी प्रेस होगा यानी सिग्नल आएगा, तो आप वन शॉट पल्स को लेना चाहते हैं, डिटेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करिए, आगे आपको यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए आप एक आउटपुट ले सकते हैं, बट क्योंकि पल्स इतनी जल्दी आती है, इतनी कम टाइम के लिए रहती है, तो आप आउटपुट पर इसको सिंपली देख नहीं पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप एक काउंटर ले सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ से काउंटर ले लिया तो काउंटर काउंट कर लेगा उस पल्स को। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक मुझे काउंटर का टैग भी बनाना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ से एक काउंटर का टैग यहाँ से बना लिया, और ये बेसी ही रहेगा, और यहाँ से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं काउंटर डेटा, और यहाँ पर डबल क्लिक करके आप काउंटर का जो टैग लिया है वो ले सकते हैं, राइट। इस तरीके से आप ले सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं काउंटर की जगह लैच इंस्ट्रक्शन लगाना तो आप वो भी लगा सकते हैं, इट इज़ अप टू यू कि आपको कैसे यूज करना है। तो मैं एग्जांपल के लिए इसको एक बार डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ और बताऊंगा अभी कि मैंने काउंटर क्यों यूज किया है, उसके पीछे रीजन क्या है। बिकॉज वन शॉट पल्स इतने कम टाइम की पल्स होती है जिसको कि आपको शो कराना होता है, आपको यूज करना होता है। तो अगर मैं सिंपल आउटपुट इंस्ट्रक्शन लूंगा तो उस आउटपुट पर ये प्रॉपरली दिखेगी नहीं पल्स, इसीलिए मैंने क्या किया काउंटर लिया जिससे कि वो पल्स मेरे को क्या हो, विजिबल हो सके मेरे लिए, मैं देख पाऊँ उसको और काउंट भी कर सकें। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर यहाँ से बात करते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ से फोर्स ऑन किया और मेरे को फोर्स इनेबल करना पड़ेगा, यहाँ से मैंने इनेबल किया, देन जैसे ही मैं रिलीज करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ से जो भी पल्स आई है उसको देखिए यहाँ से काउंट हो रहा है, यानी आप देख पा रहे हैं यहाँ से पल्सेस काउंट हो रही हैं, राइट। तो वन शॉट ये हमारे पास एक है इंस्ट्रक्शन। इसी तरीके से अगर मैंने काउंटर नहीं लिया होता, जैसे मैं काउंटर हटा देता हूँ, सिंपल एक आउटपुट अगर यहाँ यूज करता हूँ, तो आउटपुट के लिए आपको एक टैग बनाना पड़ेगा। तो वो सिंपल मैं यहाँ से एक आउटपुट का टैग बना लेता हूँ, तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से मैंने क्यों काउंटर यूज किया था और आउटपुट क्यों यूज नहीं किया था। तो यहाँ पर देखिए आप जो भी आउट